जंगल का राजा बना नीले रंग का भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो हर बार सब जानवरों से अलग रहा करता था। उसे सबके साथ रहना पसंद नहीं था। जंगल के जानवर जंगल में अपने अपने काम करते रहते थे, पर भेड़िया पास के गांव में जाकर हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन गांव के कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अम्मा, ये गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग गए हैं। मुझे कैसे भी इन लोगों से अपनी जान बचानी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से तेज भागने लगा। वो एक बड़े से बर्तन में छुप गया। उस बड़े से बर्तन में नीले रंग का पानी भरा था। उसके पीछे पड़े कुत्तों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। वो कुत्ते वहाँ से चले गए। जैसे ही भेड़िये को अंदाजा हुआ कि कुत्ते चले गए हैं, वो उस बर्तन से बाहर आ गया। बर्तन में रखे नीले रंग के पानी के कारण वो नीला हो गया था। वो अपने आप को नहीं देख सकता था। वो कुत्तों के डर से जंगल की ओर भाग गया। जंगल के जानवर उस नीले रंग के जानवर को देखकर हैरान रह गए। हाथी कहने लगा, ये कोई विचित्र प्राणी है। अगर वो प्राणी हमारी तरफ भागकर आया तो पता नहीं क्या होगा। भाग जाओ, भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। सब जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। गांव से भाग कर आने के बाद वो बहुत थक गया था और अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी किनारे आ गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर अपनी गर्दन झुकाई, उसने पानी में अपनी छवि देखी। ओहो, इस रंग के कारण सभी जंगल के जानवर मुझसे डरकर भाग रहे हैं। अब इनके साथ मैं एक खेल खेलता हूँ। यही सही समय है। तभी जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। बंदर ने कहा, एक अजीब किस्म का जानवर हमारे जंगल में आ गया है। अगर हम जल्दी से इसे यहाँ से भगा दें, तभी हम यहाँ पे शांति से जी सकते हैं। ओ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो जानवर हमारे जंगल में आया है, उसका बल कितना है वो मैं भी नहीं जानता। अगर हम उसका जल्दी से काम नहीं करेंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। तभी वहाँ भेड़िया पहुँचा। मुझे कमजोर मत समझो। भेड़िये को अपने करीब आते देखकर सभी जानवर डरने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी भेड़िये ने कहा, कोई भी अपनी जगह से मत हलो। भगवान ने मुझे तुम सब पर राज करने के लिए भेजा है। मैं तुम सबका रक्षक हूँ। तुम सब जो भी शिकार करोगे, पहला हिस्सा मुझे आना चाहिए। भेड़िया अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगा। भेड़िये की बातों को सच मानकर सब जानवर उसकी बात मानने लगे। जानवरों के इस नए बदलाव को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक रात कई भेड़िये एक साथ आवाजें करने लगे। नीला भेड़िया भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके साथ आवाजें निकालने लगा। भेड़िये की आवाज को सुनकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और उसे भेड़िये पर फेंक दिया और भेड़िया अपने पुराने रंग में वापस आ गया। भेड़िये पे सब जानवर बहुत गुस्सा हुए। इतने समय से यह हमें धोखा देकर हमें सता रही है, इसे तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते। बंदरों के गुस्से पे हुआ कौवों का नुकसान। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था। उस विशाल पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवों ने अपने अपने घोंसले बनाए रखे थे। उस पेड़ की छांव ने उनको तेज बारिश, कड़ी धूप और सर्दी से बचाया था। उस पेड़ के बड़े होने के कारण उसके नीचे बहुत सारे बंदरों ने अपना ठिकाना बना लिया था। हमारा जीवन इतना खुशहाल होने का इकलौता कारण ये पेड़ है। इसकी शाखाओं पर हमारे घोंसले होने के कारण हम आज संकट से मुक्त हैं। इस पेड़ के हम पर काफी एहसान है। हम इन घोंसलों के कारण कितने खुशी से जी रहे हैं। पर ये बंदर, इनको तो देखो, ये अपनी सारी जिंदगी डालियों पर ही लटकते लटकते गुजारते हैं। ओ
ओ कव्वे, खबरदार तूने एक शब्द भी कहा तो। हम बंदर हैं, अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आंसुओं की बारिश कर देंगे। अगले ही दिन सारे आसमान में काले बादल छा गए, तूफानी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सारे जंगल की जमीन नदी का बहता पानी बन गई। जो कव्वे अपने अपने घोंसलों में थे वो सुरक्षित रह गए, पर बंदर जो हमेशा यहाँ से वहाँ खेलते रहते थे भीग कर कपकपाने लगे। उन्हें इस हालात में देख कव्वे उनका मजाक उड़ाने लगे। बंदर दोस्त, तुम्हें देख हमें बहुत तरस आ रहा है। हम इतने छोटे होते पर भी हम लोगों ने अपनी चोंच में एक एक तिनका इकट्ठा कर मेहनत से अपने घोंसले बनाए हैं, और तुम लोग इतने बड़े हो, तुम्हारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, फिर भी तुमने अपना सारा समय खेल कूद में व्यस्त कर दिया। बंदर को बहुत गुस्सा आया। इनको तो कुछ काम ही नहीं है, जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते। इनको हमें कुछ सबक सिखाना। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और सारे कव्वों के घोंसले तोड़ दिए। उन्होंने सारा पेड़ नष्ट कर दिया। जो कव्वे हमेशा हंसते और बंदरों का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनका ये रूप देखकर रोने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। दो बकरियों की लड़ाई। एक जंगल के बीच में एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था, वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर दो बकरियां थी। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थी। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, बता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी, तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं, इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ तो तुम उस पल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया, उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियों के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अकलमंदी है। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद सियाल को एक गंदी सोच आया।
मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी भाग आसानी से उनको मारकर आदि मांस को खाती। मगर वास्तव में मुझे दो हिस्से बाघ को एक हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और भाग के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको दो हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गए। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे दो हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलने चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को एक हिस्सा, शियाल को दो हिस्से आना चाहिए सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से, यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गए मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए,